मध्य प्रदेश की 6 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह आरोप पत्र जारी किया है। शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम वोट डालने गए तो बिजली चली गई। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह तो अपने साथ आजकल जनरेटर लेकर चल रहे हैं। बीजेपी ने किसान कर्ज माफी, पुलिस कर्मियों के अवकाश, बिजली बिल माफी जैसे कांग्रेस के कई वादों को झूठा बताया है। बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में कांग्रेस द्वारा चुनाव के पहले किए गए वादे पूरे नहीं होने का आरोप लगाया है। बीजेपी इस आरोप पत्र के जरिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी करने वाली है। बिजली साफ हो गई, कमलनाथ जी वोट डालने गए तो पोलिंग बूथ की बिजली चली गई, कमल कुंज की बिजली जा रही है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी तो जनरेटर साथ लेकर घूम रहे हैं। आजकल उस जमाने में इन्वर्टर चलते थे, कमलनाथ जी ने दिग्विजय जी के हाथ में जनरेटर पकड़ा दिया कि जाओ सभा करो तो जनरेटर के सहारे ही सभा करना। और आश्चर्य की बात ये कि इसके लिए दोषी वो भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रहे हैं। बिजली जा रही इसमें भी भाजपा का हाथ है, सबको निपटा दूंगा, सबको बदल दूंगा। मुख्यमंत्री आपको, ऊर्जा मंत्री आपके हैं और बिजली भारतीय जनता पार्टी गायब कर रही है, तो क्या हाथ बांध के बैठे हो? अगर भाजपा का हाथ है तो पकड़ते क्यों नहीं हो?